मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अपने दौरे के दूसरे दिन जनता दर्शन के दौरान करीब 200 लोगों की शिकायतें सुनी, अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी शुक्रवार को करीब 8:15 बजे हिंदू सेवा आश्रम में जनता दर्शन के लिए पहुंचे। हमेशा की तरह आज भी महिलाओं की संख्या अधिक रही। एक एक कर मुख्यमंत्री योगी सभी के पास पहुंचे और उनसे उनकी समस्याओं को जाना। मौके पर मौजूद अधिकारियों को प्रार्थना पत्र सौंपते हुए उन्हें तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। आज सर्वाधिक मामले भूमि पैमाइश, सीमांकन और पुलिस में दर्ज मुकदमों की विवेचनाओं में लापरवाही के साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी ना होने को लेकर रही, जबकि कुछ पारिवारिक विवाद के मसले भी मुख्यमंत्री के सामने आए। जनता दर्शन के दौरान शुक्रवार को कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री से आर्थिक मदद की मांग की तो कुछ ने नौकरी लगवाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने उनका आवेदन लेकर मदद करने का आश्वासन दिया। इस दौरान कमिश्नर रवि कुमार एनजी, डीएम विजय किरण आनंद, डीआईजी एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा और एसपी सिटी कृष्ण विश्नोई मौजूद रहे। जनता दर्शन कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी मंदिर से लौटे तो यहां भी मिलने वालों की भीड़ रही। करीब 100 लोगों ने यहां भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इनमें से कुछ लोगों ने उन्हें अपनी परेशानी से संबंधित पत्र दिया तो कुछ लोगों ने विवाह में आने का निमंत्रण भी दिया। शुक्रवार की सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरखनाथ का दर्शन कर पूजन किया। इसके बाद अखंड ज्योति का दर्शन कर ब्रह्मलीन महंत द्वय दिग्विजयनाथ एवं महंत अवैधनाथ की समाधि पर माथा टेक आशीर्वाद लिया। उसके बाद गौशाला में पहुंचकर तकरीबन 20 मिनट तक गौशाला में सेवा की। इसके साथ ही उन्होंने कालू और गुल्लू पर भी दुलारा। कालू और गुल्लू भी सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलकर खुश दिखे। कार्रवाई करवाई 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 करवा